कुछ अस्कार वो हैं कि जो हर नमाज के बाद पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो आपके सामने में ये भी रवायत पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, इसमें भी यही है कि कुछ वजीफ़ा है, यानी मुख्तसर है, यानी क्योंकि असकार की बहस है तो ज़्यादा इसको मैंने बयान करना महसूस समझा कि इसको बयान किया जाए ताकि इसके पढ़ने से फ़ायदा भी हो और हमारे मौजू से भी है कि जो वो चीज़ें जो ज़बान से अदा की जाती हैं वो असकार। इसमें हर नमाज के बाद एक तस्बीह है, 5 तस्बीहों का जिक्र होगा जो हर नमाज के बाद आपने पढ़नी है, और वो परवरदिगार आलम पैगंबर फरमाते हैं कि हर तस्बीह के एवज़ में खुदा उसे 3 चीज़ें अता करेगा, यानी जो मैं बयान करूँगा कि नमाज हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ी जाएगी। मुख्तलिफ तस्बीह हैं, 100-100 मरतबा पढ़ना, एक तस्बीह यानी 100 मरतबा उसको पढ़ना है, तो उसके पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ख़ुद रवायत में पैगंबर ने भी बयान किया कि अगर कोई शख्स ये तस्बीह पढ़ता है नमाज सुबह के बाद, जहर असर मगरिब और इशा के बाद अगर ये तस्बियाँ पढ़ता है तो हर तस्बीह के एवज़ में बदले में अल्लाह उसे 3 नेमतें अता करेगा। तो कुल कितनी नेमतें हो गई? 15। ठीक, बहुत आसान सवाल है। तो 5 तस्बियाँ, हाँ 5 तस्बियाँ हैं जो हर नमाज के बाद पढ़नी है, और हर तस्बीह के एवज़ में बदले में अल्लाह उसे 3 नेमतें अता करेगा, 3 चीज़ें इनायत करेगा, जो भी आप उसे ताबीर करें। नमाज सुबह, नमाज सुबह के बाद यानी नमाज सुबह पढ़ने के बाद अगर कोई 100 मरतबा यानी एक तस्बीह ये पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक्कुल मुबीन, जैसा उन्होंने बयान किया था कि नमाज सुबह के बाद इस तस्बीह को अगर इंसान 100 मरतबा ये तस्बीह पढ़े, ये तस्बीह मैंने अर्ज़ किया कि जुमेरात, आज जुमेरात का जो कल दिन गुजरा उस दिन की भी ये तस्बीह है, तो आप ये देखिएगा ये तस्बियाँ जो पढ़ी जाती हैं ये तकरार भी हो रही हैं, यानी अगर आप जुमेरात के दिन भी पढ़ें तब भी आपको सवाब मिलेगा। एक तस्बीह हर जुमेरात को पढ़ें 100 मरतबा, और हर सुबह की नमाज के बाद अगर आप ये 100 मरतबा पढ़ें तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा? पैगंबर फरमाते हैं अल्लाह उसे 3 चीज़ें अता करेगा, 3 नेमतें अता करेगा, वो क्या है? दुनिया और आखिरत की सख्ती को इसके सबब आसान कर देगा, दुनिया और आखिरत की सख्ती इसके लिए आसान हो जाएंगी, शर शैतान और शर सुल्तान से उसको पनाह मिलेगी, किसी भी गुनाह की वजह से उसका ईमान ज़ायल नहीं होगा। यानी इस रवायत का मतलब यह है कि गुनाह से ईमान ज़ायल होता है रवायत में, कि इंसान अगर खुदा न खासा वो गुनाह अंजाम दे दे कि जिससे इंसान का ईमान ज़ायल हो जाए, लेकिन अगर इंसान इस तस्बीह को पढ़ेगा मुसलसल, ये तस्बीह क्या काम करेगी? ये काम तो आपका ये करेगी, सख्तियों को आसान करेगा, दुनिया और आखरत की जो सख्तियाँ आ रही हैं उसको आसान, फिर शर शैतान और शर सुल्तान से उसको महफूज रखेगा, उसको पनाह में रखेगा। तीसरी चीज़ क्या है? किसी गुनाह की वजह से उसका ईमान ज़ायल नहीं होगा। नंबर 2, जो शख्स जोहर की नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये जो दुरूद है उसको अगर 100 मरतबा अगर पढ़ेगा तो खुदावंद मुसाल उससे 3 चीज़ें अता करेगा। नंबर 1, वो मकरूज़ नहीं होगा, इसका जितना भी कर्ज़ा होगा अल्लाह अपने खजाने गैब से इसे अता करेगा, और उसके बाद और अता करेगा। उसके बाद फरमाया दूसरी चीज़ ये कि यानी पहला है कि वो मकरूज़ नहीं होगा, उसका जितना भी कर्ज़ा होगा अल्लाह अपने खजाने गैब से अदा करेगा। दूसरी चीज़ ये कि उसके ईमान को ज़ायल होने से महफूज रखेगा। यहाँ पे ईमान का जिक्र आया कि ईमान उसके ईमान को जवाल से महफूज रखेगा, यानी वही ज़ायल होने से महफूज रखेगा। तीसरा है कि क़यामत के दिन इससे अल्लाह अपनी नेमतों का हिसाब नहीं लेगा। देखिए दुरूद पढ़ने का फ़ायदा ये एक और आ गया, 15 पहले बयान किए ना, 3 ये हो गए, 15 और 3 18 फ़ायदे हो गए, 18 फ़ायदे हो गए ना दुरूद पढ़ने के। अच्छा, उसके बाद नमाज है ये होगी जहर। अब आइए नमाज असर, नमाज असर के जो शख्स नमाज असर के बाद 100 मरतबा पढ़ेगा अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये जिक्र अगर पढ़ेगा तो खुदा उसे 3 इनाम देगा, उसके गुनाह माफ़ कर देगा, उसका रिस्क कुशादा कर देगा, रोज़ी में वसत हो जाएगी,
और उसकी दुआ कबूल करेगा परवरदिगार। फिर उसके बाद नमाज मगरिब, नमाज मगरिब के बाद अगर कोई 100 मरतबा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसको पढ़ना है। अगर कोई इससे पढ़ेगा 100 मरतबा नमाज मगरिब के बाद, तो अल्लाह इससे 3 चीज़ें अता करेगा। नंबर 1, गुनाह की वजह से ईमान ज़ाइल नहीं होगा। फिर देखिए तीसरी मरतबा ये चीज़ आई है, यानी इसका मतलब है कि कितना ताकीद आया कि ईमान के ज़ाइल होने का बड़ा ख़तरा है। हाँ, यह ना रवायत में आया कि क्यों आया कि देखिए आप आखिरी वक्त के अंदर शैतान पूरी कोशिश करता है कि उसकी बात मान ली जाए, यानी ईमान उसका ज़ाइल हो जाए, किसी तरह ईमान उसका जवाल पजीर हो जाए, ख़त्म हो जाए। लेकिन बार बार रवायतों में ही आ रहा है, इसका मतलब है कि ईमान यानी महफूज रखना बहुत अहम बात है। ईमान का ज़ाइल होना बार बार आया कि ईमान का ज़ाइल, अपने ईमान को ज़ाइल होने से बचाओ। हम तुम्हें मासूम कह रहे हैं कि हम तुम्हें वो अमल बता रहे हैं, वो दुआएं बता रहे हैं, वो असकार बता रहे हैं, वो वजीफे बता रहे हैं कि तुमने जो अल्लाह पर ईमान, उसके रसूल पर ईमान है, उसकी उसके वली अली पर जो ईमान तुम लेकर आए हो, विलायत का इकरार किया, ये ईमान जो तुम लाए हो, ये ईमान खतरे में पड़ सकता है, गुनाहों की वजह से खतरे में पड़ सकता है, किसी भी वजह से शैतान तुम्हें बहका सकता है। तो लिहाजा ये असकार, ये दुरूद, ये तमाम चीज़ें बयान इसलिए की जा रही हैं कि इंसान अपने ईमान को महफूज रखेगा। वरना अभी वक्त नहीं है, वरना वो वाक़यात भी आपने सुने कि बाद अवकात इंसान जब बहुत दुनिया में जिन चीज़ों से मोहब्बत करता है ना, वही चीज़ शैतान उसके सामने लेकर आता है आखिरी वक्त में। आखिरी वक्त में हत्ता यहाँ तक भी है कि अब वो वाक़या नहीं, मतलब सिर्फ मैं इशारा कर रहा हूँ कि आयतुल्लाह दस्तगब ने अपनी किताब मात में इस वाक्य को लिखा है कि बाद अवकात कहा गया कि तुम कुरान पढ़ो, तो कहा मेरे सामने तिलावत है कुरान, आखिरी वक्त में कहा ये नहीं पढ़ो। बाद से कहा कि मुख्तलिफ वाक़ क्यों कि पता चला कि भाई वो उस वक्त शैतान उनके सामने उसको उसको बहका रहा था कि ये तलावत कुरान ना करो। मसाल के तौर पर यह एक शख्स था जिसका वाक़ा है कि उससे सामने भी ये कहा गया, उसने कहा ये, उसने कहा मैं तुम्हारी उससे ज़्यादा वो फानू जैसे किल्दीन कहता था उससे ज़्यादा मोहब्बत करता था। तो शैतान ने वो सामने ला सामने लेकर आया, कहा मैं इसे तोड़ दूँ, कहा नहीं इसे नहीं तोड़ो, इसे नहीं तोड़ो, कहा तुम मेरी बात मानो। तो पता ये चला कि ये सिर्फ मैं इशारे कर रहा हूँ, वाक़ात की तफसीलात नहीं बयान कर रहा हूँ, सिर्फ इस किस्म के वाक़ात हैं कि जिसमें इंसान के ईमान के ज़ाइल होने का बहुत ख़तरा है। बनी इसराइल के आबिद का वाक़ सुने, बरसीद आबिद का वाक़ है, कितने बनी इसराइल के आबिदों के वाक़ात हैं जहाँ पर उनके ईमान आखिरी वक्त में ज़ाया हुआ है, या उन्होंने शैतान की बात मान ली, इतने साल इबादत की, इतने सालों इबादत की, लेकिन तो ये सब चीज़ें इसका यानी इन तमाम असकार और अमल से पता चलता है। और जो जो चीज़ परवरदिगार इस असकार के बदले में, इस दुआ के बदले में, वजीफे के बदले में जो आपको दे रहा है, वो जगह जगह आ रहा है कि इंसान अपने ईमान के महफूज, ईमान इंसान का ज़ाइल होने से बचे। तो अब यहाँ पर भी वही है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा, इसमें यही है कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद से पढ़ेगा, अल्लाह इसे 3 चीज़ अदा करेगा, गुनाह की वजह से ईमान ज़ाइल नहीं होगा, अल्लाह इससे खुश होगा, अदाब कबर से निजात देगा। ये 3 चीज़ें से जो शख्स नमाज इशा के बाद 100 मरतबा ये पढ़ेगा, वो क्या है, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात अरबा। उसके बाद फिर एक चीज़ और भी आ गया है, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये पूरा पढ़ना है दोनों, क्योंकि देखें बाज़ औक़ात एक साथ पूरा पढ़ना है, बाज़ औक़ात तस्बीहात अरबा आया है, खुद असकार में आप देखें तस्बीहात अरबा भी है, अल्लाह अकबर भी है, सुबहान अल्लाह भी है, इसमें अलग अलग भी आप पढ़ते हैं, बाज़ औक़ात तस्बीह जाना में ज़हरा में क्या है, यही 3 चीज़ें, अल्लाह अकबर है, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीहात अरबा में 4 जुमले हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। आप इसको भी अलग से रवायत में आए कि ये भी अलग, ये भी, और फिर ये जो चीज़ बयान किया रही वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये भी रवायत में अलग से आया है। अब मैंने ख़ुद ईरान के अंदर एक अहले इल्म से पूछा था, तो उन्होंने कहा कि बिला कोई मुश्किलात हैं, तो उन्होंने कहा इसकी इस जुमले की कसरत पढ़ो, इस जुमले को आप देखें, ये और भी मुख्तलिफ रवायतों में आया ये जुमला वला, हाँ ख़ास कि ईशा की नमाज के बाद पढ़ो या रात को, इसको इसी जुमले को अलग से कसरत से पढ़ो, सिर्फ ये जुमला वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये अलग से भी आया है इसी तरह, और तस्बीहात अरबा भी अलग है, लेकिन यहाँ पर जो आया है ये दोनों को मिलाकर आप पढ़ें। तो इशा की नमाज के बाद अगर कोई इस तस्बीह को पढ़ेगा 100 मरतबा, तो अल्लाह ताला क्या करेगा, खुदावंद मुसा इसे 3 चीज़ें अता करेगा, इसके नामा अमाल में 10,000 नेकियाँ लिखेगा, इसके नामा अमाल से 10,000 बुराइयों को मिटा देगा, और जन्नत में इसके लिए लुलू और ज़बरजद, जो एक पत्थर है ज़बरजद, ज़बरजद कहते हैं साथ,
वो जो पत्थर है उसके 5 लाख महलात इसे अता करेगा, बनाएगा जो उसके लिए होंगे। ये देखें, ये अस्कार का फ़ायदा है। अगर हम मगरिब की नमाज सुबह के बाद, मगरिब की सुबह, ज़ोर, असर, मगरिब, इशा, 5 वक्त की नमाज के बाद 5 तस्बियां पढ़ें, तो आप अगर इन तस्बियों में अगर देखें तो वक्त थोड़ा ही लगेगा, लेकिन अल्लाह ताला इसके एवज़ में आपको कितनी सारी चीज़ें आपको अता कर रहा है।